सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज है ना, इसका जो लॉन्च है ना वो 11 फरवरी को होने वाला है। लेकिन 11 फरवरी से पहले ही आज के समय में इसकी सारी डिटेल लीक हो चुकी है और एग्जैक्टली हमें पता चल चुका है कि एग्जैक्टली इस फोन में क्या होने वाला है, ये फोन कब देखने को मिलेगा और एक आइडिया भी इसकी प्राइसिंग के बारे में। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर क्या गैलेक्सी S20 सीरीज के अंदर क्या 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 खास होने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर ऑसम कंटेंट। तो सबसे पहले बात करें S20 के डिजाइन के बारे में, तो ऑब्वियसली ग्लास डिजाइन होने वाला है, आगे की तरफ से आपको कर्व डिस्प्ले जो होता है सैमसंग की पहचान है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा वाटरफॉल डिस्प्ले नहीं होने वाला। और पीछे की तरफ से आपको एक बड़ा सा जो कैमरा हम्प होता है ना, जैसा आपको आईफोन में देखने को मिला है ना आईफोन 11 में और पिक्सल फोन में, ठीक वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन डिजाइन से ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है आखिर इस फोन के अंदर क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले तो डिस्प्ले की बात करें तो एक होल पंच डिस्प्ले जैसा कुछ आपको गैलेक्सी नोट 10 में देखने को मिला था ना, ठीक वैसा ही है, लेकिन जो होल का साइज है ना वो पहले से ज्यादा छोटा हो गया, यानी कि आपको कंप्लीट डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मिलेगा। और डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर अभी तक का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डिस्प्ले होने वाला है, यानी कि सबसे अच्छी ब्राइटनेस, सबसे अच्छे कलर, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले जो कि एक क्वाड एचडी रेजोल्यूशन पे और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है। और ये पहला ऐसा फोन होगा जिसके अंदर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, क्वाड एचडी रेजोल्यूशन और एमोलेड स्क्रीन के अंदर देखने वाले हैं। मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी है ना इस फोन की एक अलग ही लेवल पे जाने वाली है। और आप मेरी बात मान के रखिए कि इस साल 2020 का अगर किसी भी स्मार्टफोन का जो बेस्ट डिस्प्ले होगा ना वो सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज का ही होगा। लेकिन अगर हम S20 सीरीज के बारे में बात ही कर रहे हैं तो S20 सीरीज में आपको तीन अलग अलग फोन देखने को मिलेंगे, यानी कि एक S20 होगा, एक S20 प्लस होगा और एक S20 अल्ट्रा होगा। क्वाड एचडी रिजोल्यूशन, सेम डिस्प्ले, सेम टेक्नोलॉजीज आपको तीनों ही फोन के अंदर देखने को मिलेंगी। डिफरेंसेस होगा इनके स्क्रीन साइजेस के अंदर, यानी कि गैलेक्सी S20 का स्क्रीन साइज है 6.2 इंच, S20 प्लस का स्क्रीन साइज है 6.7 इंच और S20 अल्ट्रा का साइज है 6.9 इंच। मतलब आप समझ सकते हैं कि स्क्रीन साइजेस भी डिफरेंट कर दिए और थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को अलग करा गया, लेकिन बेसिकली देखा तो तीनों फोन काफी ज्यादा सिमिलर हैं। और बात करें आखिर इन फोन के अंदर प्रोसेसर कौन सा यूज होने वाला है, तो वो होने वाला है एक्सिनोस का 990 प्रोसेसर जो कि 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। और अभी तक का जो सैमसंग की जो एक्सिनोस लाइनअप है ना उसमें सबसे ज्यादा फास्ट प्रोसेसर है। और हाँ, जो रूमर आ रहे थे स्नैपड्रैगन इंडिया में देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन कंफर्म हो चुका है कि आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन की जगह एक्सिनोस 990 वाले फोन से आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। और हाँ, ये 4G प्लस 5G दोनों वर्जन्स में आएंगे। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, S20 और S20 प्लस इनके 4G वर्जन्स और 5G वर्जन्स दोनों को लॉन्च की करेगी सैमसंग। हो सकता है पहले 4G वर्जन्स को इंडिया में लाए, उसके कुछ टाइम बाद 5G को लाए। वहीं बात करें गैलेक्सी S20 अल्ट्रा की, तो ये सिर्फ 5G ओनली फोन होने वाला है, क्योंकि सैमसंग अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल फ्लैगशिप होने वाला है। मतलब स्पेसिफिकेशन तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन काफी ज्यादा दूसरी चीजें भी इसके अंदर इंप्लीमेंट करी गई हैं, जिससे जो फोन है ना पूरी तरह से प्रीमियम फ्लैगशिप हो जाता है सैमसंग की तरफ से। जैसे की बात करें तो इसके अंदर आपको जो स्टोरेज है वो 128GB 512GB के स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेंगे। S20 और S20 प्लस में सिर्फ 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगी और इन फोन के अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलेगा। मिनिमम जो रैम आपको इन फोन में देखने को मिलेगी ना वो होगी LPDDR5। यस, DDR5 रैम की एंट्री होने वाली, यानी कि फोन की जो परफॉर्मेंस वो पहले से ज्यादा बेटर होगी। और ऑब्वियसली ये जो स्टोरेज यूज करेंगे ना वो होगी UFS 3.0। लेकिन ये तो परफॉर्मेंस वगैरह की बात हो गई, लेकिन बात करें जो मेन जो हाइलाइटिंग फीचर होने वाला है ना गैलेक्सी S20 सीरीज, या मैं कहूं सिर्फ S20 अल्ट्रा का, तो वो होने वाले उसके कैमरा, यानी कि पीछे की तरफ अगर इतना बड़ा कैमरा हम्प लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली कैमरा में कमाल के फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो पहले S20 अल्ट्रा का कैमरा बता देता हूं आपको, वो होने वाला है 108 मेगापिक्सल, यानी कि सैमसंग ने एक नया सेंसर बनाया 108 मेगापिक्सल वाला, वही सेंसर को S20 अल्ट्रा में इंप्लीमेंट करेंगे। और जो 108 मेगापिक्सल से जो इमेजेस आएंगे ना, कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन की दुनिया में सबसे बेस्ट इमेजेस होने वाली है। मतलब कुछ ऐसी खबरें आ रही है, फिर भी हम देखेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर आपको एक 10x ऑप्टिकल जूम जो कि 48 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर का यूज किया जाएगा। और जो 10x टेक्नोलॉजी है ना उसका यूज करने के लिए पेरिस्कोप बेस्ड जूम का यूज करेंगे, यानी कि पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी का यूज करके 10x जूम को निकालेंगे। और हाँ, ये 10x जो जूम होगा ना ये ऑप्टिकल जूम होगा, कोई हाइब्रिड डिजिटल जूम नहीं होने वाला। और 48 मेगापिक्सल सेंसर का यूज करके जब आप इसमें डिजिटली जूम करोगे ना तो 100x जूम का यूज कर पाओगे, यानी कि सैमसंग करने वाली एक नया फीचर जो कि होगा 100x स्पेस जूम, यानी कि ऑप्टिकल प्लस डिजिटल एक हाइब्रिड जूम करके 100x जो जूम है ना वो पॉसिबल हो पाएगा सैमसंग के इस फोन के अंदर। वैसे इसकी क्वालिटी कैसी होगी तो जब ये फोन आ जाएगा ना तभी पता चलेगा कि ये काम का है या नहीं है, लेकिन 100x जूम किसी फोन के अंदर काफी ज्यादा इंसेन चीज लगती है। इसके साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का कैमरा, इसके साथ ही TOF सेंसर भी आपको फोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये बात होगी गैलेक्सी S20 अल्ट्रा की। और हाँ, जो गैलेक्सी S20 अल्ट्रा होगा ना ये अपने मेन कैमरा से 8K वीडियो 30
30 FPS में कैप्चर करने कैपेबल होगा। वैसे 8K वीडियो दूसरे फोन्स ने भी ट्राई किया था, लेकिन वो 15 FPS तक कैप थे। ये 8K 30 FPS पे ले जा पाएगा ना, मतलब जो S20 Ultra है ना, उसकी फोटोग्राफ और वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। इसी के साथ ही बात करें S20 और S20 Plus में क्या खास है, तो इन दोनों फोन के अंदर आपको 12 MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक 3x जूम का कैमरा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 64 MP का इमेज सेंसर, लेकिन नया इमेज सेंसर यूज कर रही है सैमसंग। और इस इमेज सेंसर की खास बात है कि 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करने के कैपेबल है, यानी कि जो फोन्स होंगे ना, ये 3x जूम का यूज करके 8K वीडियो 30 FPS में रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखते हैं कि जूमिंग के अंदर जो 8K वीडियो है ना, उसकी एग्जैक्टली क्वालिटी कैसी रहती है, क्योंकि मेरे को लगता है ना कि जूम लेंस का यूज करके क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। मतलब कि शायद सैमसंग ने ऐसा जानबूझ के किया कि S20 Ultra के कैमरे को ज्यादा ही अच्छा बना दो, और वहीं जो गैलेक्सी S20 और S20 Plus है ना, उनके कैमरे को थोड़ा सा डाउनग्रेड करके रखो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग है ना वो कैमरा के लिए S20 Ultra उनका जो महंगा फोन है ना बोले। लेकिन फिर भी जनरल पर्सपेक्टिव में बात करें तो S20 S20 Plus दोनों का कैमरा काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, और वहीं इनके अंदर आपको 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और TOF सेंसर। और जो TOF सेंसर इन फोन्स के अंदर दिया गया ना, उसका जो यूज है ना वो AR इमोजीज के लिए है, और जो पोर्ट्रेट लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर आपको नोट 10 में देखने को मिला था ना, उसी को इसी के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। तो देखा तो काफी ज्यादा अमेजिंग कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है S20 सीरीज के अंदर, और खास तौर पे S20 Ultra की कैमरा क्वालिटी वाकई देखने वाली चीज हो गई है। इसी के साथ ही सेल्फीज में बात करें तो होल पंच डिस्प्ले के अंदर एक सिंगल सेल्फी कैमरा ही देखने को मिलेगा। S20 Ultra में 40 MP के कैमरे को इंप्लीमेंट किया जाएगा, वहीं S20 S20 Plus में 10 MP के कैमरे को इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये तीनों ही फोन होंगे ना 4K 60 FPS सेल्फी के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के कैपेबल होंगे। और इसी के साथ ही तीनों ही फोन IP68 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट होंगे, एंड्रॉइड 10 इनके अंदर आएगा, और One UI 2.1 के ऊपर चलेंगे। बैटरीज की बात करें तो 5000 mAh बैटरी देखने को मिलेगी S20 Ultra में, S20 Plus में देखने को मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, और 4000 mAh की बैटरी S20 के अंदर देखने को मिलेगी। और तीनों ही फोन जो है ना वो 45W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे, और जो फास्ट वायरलेस चार्जिंग है उसे, और जो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है ना, वो भी इन फोन्स में रहने वाली है। और कहा जा रहा है कि इस बार जो सैमसंग के अंदर जो बिक्सबी होता है ना, उसे शायद इसके अंदर से सैमसंग हटा दे। और हाँ, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी एक अगला वर्जन देखने को मिलेगा, जो कि पिछले वाले वर्जन से ज्यादा फास्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि सैमसंग के फोन में पहले इतना अच्छा नहीं था ना, अब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर होने वाली है। तो देखा है तो गैलेक्सी S20 सीरीज में तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S20 अकेली लाइनअप नहीं होने वाली इसके अंदर, यानी कि सैमसंग इसी के साथ ही सैमसंग का अपना नया फोल्डेबल फोन, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप, जो कि फ्लिप फोन होने वाला है, जैसा मोटो रेजर फोल्ड हुआ था ना, ठीक वैसा ही फ्लिप फोन लॉन्च करने वाली है। इसके अंदर आपको 6.7 इंच की डायनेमिक फ्लेक्सिबल OLED स्क्रीन देखने को मिलेगी, एक होल पंच कैमरा देखने को मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन ऑब्वियसली 10 MP होगा, लेकिन होल पंच फ्लेक्सिबल फोन के अंदर, ये काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। 12 MP के डुअल कैमरास देखने को मिलेंगे, स्नैपड्रैगन 855 प्लस के ऊपर ये फोन देखने को मिलेगा। तो देखा है जो स्पेसिफिकेशन थोड़ी पुराने जमाने की है, लेकिन फ्लिप फोन के कंसेप्ट में एक नए टाइप का फोल्डेबल फोन आने वाला है, और ऊपर से कहा जा रहा है कि इसके अंदर आपको थिन ग्लास और थिन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का यूज करके जो डिस्प्ले है उसे ज्यादा ड्यूरेबल बनाने वाली है सैमसंग, तो वो भी देखने वाली बात होगी। और ऑब्वियसली S20 सीरीज, गैलेक्सी Z फ्लिप, ये सब फोन्स का लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। देखा है तो 11 फरवरी को ये जो फोन है ना अनाउंस करेगी सैमसंग इसे अपने इवेंट के अंदर USA में। लेकिन ये जो फोन है ना फरवरी एंड या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में, एक रूमर डेट कह रही है कि 6 मार्च को ये जो फोन है ना ऑफिशियली आपको इंडिया में बिकते हुए देखने को मिलेंगे। और कहा जा रहा है कि जो पहले S20 और S20 Plus इनके जो 4G वर्जन है उनको सैमसंग इंडिया में लेके आएगी, और उसके बाद जो S20 Ultra है उसके साथ बाकी के जो 5G फोन है ना उनकी एंट्री होगी इंडिया में। और गैलेक्सी Z फ्लिप है ना वो लगता है थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि शायद जल्दी आपको देखने को ना मिले गैलेक्सी Z फ्लिप, लेकिन थोड़ा लेट आने वाला है वो। और वहीं बात करें इनकी प्राइसिंग क्या हो सकती है, तो ऑब्वियसली S20 की जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो लगभग 60,000 rupees हो सकती है, जो कि 4G और 128GB वाले स्टोरेज वर्जन की हो सकती है। शायद इसे सैमसंग थोड़ा कम करके 50,000 की रेंज में करने की कोशिश करे, लेकिन 60,000 जो है ना वो उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है। वहीं बात करें गैलेक्सी S20 Ultra, तो ऑब्वियसली 1,00,000 रुपए तक जाएंगे जो फोन्स की कीमत है, और 1,00,000 रुपए के अराउंड की कीमत में शायद से आपको 512GB 5G S20 Ultra देखने को मिल जाए। वहीं बात करें गैलेक्सी Z फ्लिप की, इसकी कीमत 1,00,000 रुपए से ज्यादा होगी, लेकिन 1,50,000 रुपए से कम होगी। ओरिजिनल जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड आया था ना उससे इसकी कीमत कम होने वाली है, फिर भी देखते कि एग्जैक्टली आखिर किस कीमत में आता है, लेकिन फोल्डेबल फोन है, आप इसकी कीमत कुछ कम एक्सपेक्ट मत कीजिए। इस फोन की कीमत 1,00,000 रुपए के ऊपर ही होने वाली है इंडिया में, और ऑब्वियसली S20 सीरीज है ना काफी ज्यादा कमाल करने वाली है, और लगता है कि जो iPhone है ना उन्हें काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। मतलब कि ऑब्वियसली S20 Ultra में 10x जूम और 108 MP कैमरा है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग है, काफी कमाल के फीचर्स हैं, जो कि आपको सबसे पहले किसी भी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो जो सैमसंग है ना वो पहले से ज्यादा इनोवेटिव हो गई है, और काफी ज्यादा इनोवेशन गैलेक्सी S20 सीरीज के अंदर कर रही है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से
सवाल है कि आप लोग गैलेक्सी S20 सीरीज का वेट कर रहे हो, और आप लोग क्या लगता है कि गैलेक्सी S20 सीरीज का कैमरा, उसकी परफॉर्मेंस क्या आने वाले समय में जो दूसरे फ्लैगशिप फोन होंगे उन्हें बीट कर पाएगी या नहीं, तो ये बात मुझे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर ऑसम कंटेंट। और हाँ, अगर चैनल सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे अपलोड का बटन है, तो वहां जाकर चैनल सपोर्ट कर सकते हो, और मेरे को फॉलो कर सकते हो ट्विटर और इंस्टाग्राम के अंदर। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।